एक दिन मैं सड़क से जा रहा था, रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा हुआ देखा, ईश्वरीय किरियाने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखा जाए, इसमें बिकता क्या है। जैसे ही यह ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं, द्वार अपने आप खुल जाते हैं। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करना। वहां वह सब कुछ था जो एक इंसान को चाहिए होता है। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भरकर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीजें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम भी ले लिया, फिर समझ भी ले ली, फिर दो डिब्बे विवेक भी ले लिया, आगे जाकर विश्वास के दो तीन डिब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली। सोचा, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली, हिम्मत ले ली। सोचा, हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। आगे सहनशीलता भी ले ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी उठा लिया। मैंने वो सारी चीजें खरीद ली जो मेरे मालिक खुदा को पसंद हैं। फिर मेरी नज़र प्रार्थना पर पड़ी। मैंने उसका भी डिब्बा उठा लिया कि सब गुण होते हुए भी अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंद शांति के गीतों से मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर, मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना है। देवदूत बोले, मेरे बच्चे, यहाँ के बिल को चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना, इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। कोई कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है, और जो प्रवेश कर लेता है वह माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है।